तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपकी डिवाइस में जो सिस्टम लॉन्चर है उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, लाइक दैट यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ किस तरीके से इस सिस्टम लॉन्चर की प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आप डिवाइस को यूज़ करने के अकॉर्डिंग सिस्टम लॉन्चर में कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे होंगे, तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, और कभी कभी आप लंबे समय के यूज़ के बाद डिवाइस में कभी कभी जनरली प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो कुछ आपको सेटिंग्स बीच बीच में टाइम टू टाइम आपको करते रहना चाहिए जिससे आपका डिवाइस, आपके डिवाइस में जो सिस्टम लॉन्चर है उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको सिस्टम लॉन्चर में अगर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद देखने को मिल रही होगी। तो देखिए, अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कुछ सेटिंग्स मैं बता देता हूँ, उनको आप जनरली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इन सेटिंग्स को यूज़ करते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद भी कई सारे फंक्शन जो है वर्क नहीं करते या सिस्टम लॉन्चर प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हो पाता है, तो देखिए ऐसे में कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बीटा वर्जन में ही आती है, ठीक है। अगर आपके डिवाइस में बीटा वर्जन है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, स्टेबल वर्जन में बहुत कम चांस होता है कि प्रॉब्लम आए, बट फिर भी स्टेबल वर्जन में भी कई सारे यूजर्स की प्रॉब्लम जनरली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको ज़्यादा कोई सेटिंग नहीं करना, बस थोड़ी सी चीज़ यूज़ करनी है, थोड़ी सी सेटिंग करनी है, आपको इस सिस्टम लॉन्चर वाले ऐप को जो है यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग के बाद आपको यहाँ पे ऐप का एक ऑप्शन मिलता है, इस ऐप के ऑप्शन में चले जाना है, और उसके बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है, उसके बाद आपको थ्री डॉट पर टैप करना है, ठीक है। थ्री डॉट पर टैप करने के बाद आपको शो सिस्टम पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है अपना सिस्टम लॉन्चर, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्च कर दिया सिस्टम लॉन्चर, तो इसको सिंपल यहाँ से ओपन कर देना है, देख सकते हैं मिल गया, इसको ओपन करना है यहाँ से, ठीक है। अब इसको ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे स्टोरेज यूजर्स को पहले क्लियर कर लेना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपको ये फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर लेना है, ठीक है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर लेना है, और मेक श्योर ये करना है कि आपका डिवाइस लेटेस्ट सिस्टम, जो आपका सिस्टम लॉन्चर है, लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो, ठीक है। लेटेस्ट जो भी वर्जन चल रहा है, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सिंपल बैक लेना है, ठीक है। बैक लेने के बाद आपको पूरी तरीके से बैक आ जाना है, ठीक है। आप चाहें तो अपने डिवाइस को इस सिस्टम लॉन्चर को रीसेट करने के बाद वापस से आप आ सकते हैं, देख सकते हैं ये सिस्टम लॉन्चर जो है पूरी तरीके से रीसेट हो गया, तभी ये सेटिंग वापस से इनेबल करने को बोल रहा है, ठीक है, अपडेट करने को बोल रहा है, तो आप इसको ओके कर सकते हैं, यहाँ पर एग्री कर सकते हैं। तो ये हमने पूरी तरीके से इसको वापस से रीसेट कर लिया है, ठीक है। और अगर आपने रीसेट नहीं किया तो सबसे पहले मेक श्योर ये करना है कि आप अपने सिस्टम लॉन्चर को रीसेट करें, उसके बाद आप सारी सेटिंग्स को यूज़ करें, डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट जरूर से कर लें इन सेटिंग्स को यूज़ करने के बाद, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी लंबे समय के बाद जो है डिवाइस को लंबे समय के बाद यूज़ होने के बाद जो है यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। रीसेट जो है होने के बाद आप प्रॉपर यूज़ करते हैं ऑन करके, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो जरूर से आपको अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट जरूर से कर लेना है, और उसके बाद आपको यूज़ करना है अपने डिवाइस में जो ये प्रॉब्लम थी सिस्टम लॉन्चर में, जो मतलब कुछ ना कुछ कभी प्रॉब्लम आ रही हुई, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको उतनी देखने को जनरली ना मिले, ठीक है। तो होपली इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है डिस्कस की, किस तरीके से आपको इन सेटिंग्स को फॉलो करना, किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू सो मच।